हम घर में चैन की भी सोचते हैं, जब ये सो जाएंगे तो हमें जगना पड़ेगा, इसलिए इन जवानों का सम्मान कीजिए। एक बार पुलिस पब्लिक में कार्यक्रम में गया था, किस चौराहे पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, हम बाइक से जाते हैं, अपनी गाड़ी से या साइकिल से जाते हैं, तो आदमी देखता है ट्रैफिक जाम है, एक सिपाही 8 घंटे वहां खड़ा है, तो गुजरते हुए वो आदमी कहता है अरे ऐसी भैया पैसा उसने तो पूरी जाम कर देता है। ये सामान्य बात है, लेकिन जिस दिन जाम क्लियर होता है और एक सिपाही खड़ा होता है वहां, कभी हम अपनी गाड़ी को रोक के ये नहीं कहते कि भाई थैंक यू आज तुम्हारे चलते रोड जाम नहीं है, आप पानी अब बचाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि पुलिस विभाग की जो नौकरी है वह थैंकलेस जॉब है, थैंकलेस जॉब है, क्योंकि जब भी कोई अच्छा होता है कभी कि किसी पुलिस को वो आदमी ये नहीं देता, और जब कहीं कहीं बुरा हो जाता है अरे पुलिस वाला ना आई, ये होता है। तो जिसके परिवार का एक सदस्य अगर प्रशासन में पुलिस भी हो तो परिवार अपने आप में स्वर्ग होता है, मैं इस बात को ईमानदारी से कहता हूँ और जानता हूँ, जिसका एक भी आदमी, इस परिवार का एक भी आदमी फोर्स में नहीं है, उसे कोशिश करना चाहिए कि हम अपने परिवार को, एक परिवार का एक सदस्य को फोर्स में जरूर लगा दे, इसीलिए हम लोग नेताओं का उल्टा सीधा बोलते हैं कि जब सरहद पर लड़ाई चलती है, जब सरहद में लड़ाई चलती है, हमारे देश के नेता का कोई बेटा नहीं शहीद होता, शहीद होता है तो मेरा भाई होता है, शहीद होता है तो हमारा बेटा होता है। मैं उन नेताओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी आदमी चली चमन में पत्ता पत्ता सिहल गया, ऐसी आदमी चली चमन में पत्ता पत्ता सिहल गया, किस आदत पर बने बंधान का पानी उतर गया, और यार इसकी नजर लगी होगी इसका टोनर समझ गया, पापों के सिर सूखा भार दिखा कि कैसा ये नेता, किसी पार्टी का वो आदमी के नहीं होते हैं, खेत हमारे रहेंगे मंजन, हमको हरियाली मंजन, खेत हमारे रहेंगे मंजन, हमको हरियाली मंजन, बनके भी तीतान तो संजन, जहर से प्याली मंजन, फूल में भी बात सुबह का मंजन, शाम की लाली मंजन, और तुम खुद को नेता करके मेरे सुभाष को वाली मंजन। इस देश में सुभाष चंद्र बोस को नेता लिखा गया था, इसलिए मैं जितने भी प्रशासन के लोग हैं मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, पुनः आपको जय हिंद बोलता हूँ, एक बार बात मेरे लिए हाथ सोनी पांडे जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्या पाए प्रशासन की तरफ से यह आग्रह है कि जो लोग भी हैं अपने बाइक के प्रति अपने वाहन के प्रति सावधान रहे, क्योंकि इस क्षेत्र में चोर भी घुमा कर रहे हैं, ठीक ना, आइए